नमस्कार यूपीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों। वर्धा में हुए हिंदू ध्वज का अपमान, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा, भूपेश बघेल व मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया। देखते रहिए यूपीएन 08 न्यूज। बालोद, देवरी कवर्धा जैसे धर्मनगरी में हिंदू ध्वज का अपमान हिंदू नहीं सहेगा। यह अपमान जिसको लेकर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के आह्वान पर युवा मोर्चा मंडल खेरथा द्वारा कवर्धा में हुई घटना के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा अध्यक्ष टुमन साहू के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया और मोदी जी के जन्मदिन और उनके कार्यकाल को 20 वर्ष पूरा होने पर मंडल के सभी कार्यकर्ता द्वारा मोदी जी के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर उनके पास पहुंचाने का निर्णय लिया गया और मंडल के राशन वितरण केंद्र में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी जानकारी शिवम देवंगना मंत्री युवा मोर्चा कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे। किशोरी साहू महामंत्री भाजपा जिला बालोद, टिनेश्वर बघेल अध्यक्ष मंडल खेरथा, हरीश कटझरे प्रदेश आईटी सेल सदस्य, शिव कमर धर्म गुंडे प्रदेश मछुआरा सह संयोजक, निरंजन साहू महामंत्री खेरथा मंडल, पोषण बंद पहला आदि उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। सर अपना परिचय दीजिए, आज जो देवरी में जो पुतला दहन का कार्यक्रम होगा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी। मैं टिनेश्वर बघेल मंडल अध्यक्ष खेरथा, आज पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर कवर्धा में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहाँ जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है, मारपीट हुआ है, जिसकी हम निंदा करते हैं, और जिस प्रकार से वहाँ मोहम्मद अकबर कैबिनेट मंत्री है और भूपेश सरकार वहाँ पे जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही है, इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम आज पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर मोहम्मद अकबर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन कर रही है। आज खेरथा मंडल में भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष टुमन साहू जी और भारतीय जनता पार्टी मंडल खेरथा के सभी नेतागण, युवा मोर्चा के पूरी टीम आज इस पुतला दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और हम ये मांग करते हैं भूपेश सरकार को कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज धर्मांतरण बहुत तेजी से फैल रहा है और आज हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह तत्काल बंद हो, अन्यथा हम इस पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन इसका विरोध करेंगे और लगातार इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा तक घेराव करेंगे।